हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है हमारा इमीडिएटली इनवॉक फंक्शन। आप पाइथन में भी IIFE का भी यूज कर सकते हो। ये क्या होता है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे और इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एक लैम्डा फंक्शन है और इसमें हमने एक आर्गुमेंट लिया है। इस लैम्डा फंक्शन को हमने किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया है, जिससे कि हम आसानी से इस लैम्डा फंक्शन को कॉल कर सके। और आपने यहाँ पर देखा कि हमने इसको कॉल करा है। इस फंक्शन को कॉल करते समय हमने आर्गुमेंट पास किया है, मतलब कि आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, तभी जाकर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो आपका नॉर्मल फंक्शन हो या फिर लैम्डा फंक्शन हो। लेकिन आप इमीडिएटली इनवॉक फंक्शन की मदद से आप बिना कॉल किए भी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे ही आप इस फंक्शन को क्रिएट करोगे उसी टाइम ये कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। ये हमारा IIFE का एग्जाम्पल है। राउंड ब्रैकेट में हमने एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करा है। ऊपर के सेम एग्जाम्पल की तरह इस लैम्डा फंक्शन में भी एक आर्गुमेंट यूज करा है। और यहाँ पर ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर है, इसकी मदद से आप फंक्शन को जैसे ही क्रिएट करोगे उसी टाइम ये कॉल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से आप लैम्डा फंक्शन में बहुत से आर्गुमेंट का भी यूज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो। इमीडिएटली इनवॉक फंक्शन में भी आप बहुत सारे आर्गुमेंट का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दो आर्गुमेंट का यूज कर सकते हो और बहुत सारे आर्गुमेंट का यूज कर सकते हो। राउंड ब्रैकेट के अंदर ये जो हमारा लैम्डा फंक्शन है, इसमें दो आर्गुमेंट है और कॉलिंग करते समय हमने भी दो आर्गुमेंट की वैल्यू को पास किया है। जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे वैसे ही ये कॉल होकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। राउंड ब्रैकेट लैम्डा कीवर्ड की मदद से हम लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे एक्स कोलन एक्स प्लस वन, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कॉल करेंगे और उसी टाइम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमने इसमें कोई प्रिंट नहीं करा है, तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन की मदद से इसको प्रिंट कर देंगे। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ गया है सेवन। सेवन क्यों आया है, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने जो वैल्यू पास किया है वो लैम्डा फंक्शन के एक्स आर्गुमेंट में चला जाएगा और ये एक्स का जो वैल्यू है इसमें एक ऐड हो जाएगा और प्रिंट कर देगा, जिससे कि हमारा आउटपुट आ रहा है 6+1=7। इस तरीके से आप लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करते समय आर्गुमेंट में इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। जैसे कि वाई नाम से एक और आर्गुमेंट लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे एक्स प्लस वाई, और कॉलिंग करते समय हम इसमें सिंपल पास कर देंगे वैल्यू को। अब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आ गया 11। ये कैसे आया, तो इस राउंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है जो 6 है वो एक्स में चला जाएगा और जो 5 है वो वाई में चला जाएगा। और यहाँ से वो वैल्यू एक्स में जो वैल्यू है 6 प्लस वाई में जो वैल्यू है 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ऐड होकर 11 हो जाएगा। इस तरीके से ही हमारा आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से आप इमीडिएटली इनवॉक फंक्शन का यूज करके जैसे ही आप फंक्शन क्रिएट करोगे वैसे ही आप कॉल करके इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।